नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनका भी, और जो पहले से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पैडागोगी सीरीज के अंतर्गत भाग 12 लेकर आए हैं, जिसमें 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है, जो निश्चित रूप से आगामी एग्जाम्स में, परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज का आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे ज्ञानवर्धक वीडियोज के टच में बने रहें। साथ ही वीडियोज को लाइक जरूर करें और दोस्तों में जरूर शेयर करते रहें, जिससे अन्य लोग भी जो परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। ऑप्शन एक अनियमित, तो ऑप्शन दो विषम, ऑप्शन तीन सामयिक, ऑप्शन चार संचयी। सही उत्तर है, प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया होती है। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। संचयी का तात्पर्य है इकट्ठा या संग्रह करना। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? दिए गए जो कारण हैं उनमें से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन एक पुनरावृत्ति का अभाव, ऑप्शन दो मानसिक दबंदव, ऑप्शन तीन सीखने की मात्रा, ऑप्शन चार शिक्षक की योग्यता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, शिक्षक की योग्यता किसी भी छात्र या व्यक्ति के भूलने का कारण नहीं हो सकता, जबकि सीखने की मात्रा, मानसिक द्वंद्व और पुनरावृत्ति का अभाव, ये सभी भूलने का कारण बन सकते हैं। अधिगम क्रिया या सीखने की जो क्रिया होती है उसके अंतर्गत बालकों में भूलने की प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न मानसिक या शारीरिक दोष के कारण हो सकती है, जैसे मानसिक द्वंद्व यानी द्वंद्व और पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा में कमी या अधिकता की स्थिति में बालकों के भूलने के कारणों में किसी भी प्रकार से शिक्षक की योग्यता का योगदान नहीं होता है। शिक्षक चाहे योग्य हो या अयोग्य, किसी दूसरे व्यक्ति की भूलने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता कभी भी दूर दूर तक। अगला प्रश्न लेते हैं, स्पीयरमैन ने 1904, स्पीयरमैन का समय काल क्या था? 1904। उनके अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। स्पीयरमैन ने 1904 में कहा कि तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, इनमें से क्या कहलाती है? ऑप्शन एक जी कारक, ऑप्शन एक ऑप्शन दो एस कारक, ऑप्शन तीन विशिष्ट बुद्धि, ऑप्शन चार सांस्कृतिक बुद्धि। प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ठीक से रट लेना या समझ लेना। तो प्रश्न का सही उत्तर है जी कारक कहलाती है। स्पीयरमैन ने 1904 में कहा कि तर्क करने की जो क्षमता और समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है उसको जी कारक के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के। उन्होंने बुद्धि के दो कारक सिद्धांत दिया था। उन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या दो कारण वाला सिद्धांत दिया था। बुद्धि संरचना दो कारकों से मिलकर बनी होती है। उस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो होती है हमारी, किसी की भी बुद्धि जो होती है, उसके संरचना के दो प्रमुख कारक होते हैं। सामान्य योग्यता कारक होता है पहला, जिसको जी फैक्टर के नाम से जाना जाता है, जनरल फैक्टर, सामान्य योग्यता कारक। दूसरा होता है विशिष्ट योग्यता कारक, एस फैक्टर, स्पेशल
एबिलिटी फैक्टर। अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन एक प्रतिगमन का, ऑप्शन दो दमन का, ऑप्शन तीन यौतकीकरण का, ऑप्शन चार प्रतिक्रिया निर्माण का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन यौतकीकरण का। अंगूर खट्टे हैं, ये उदाहरण यौतकीकरण का है। अंगूर खट्टे हैं वाक्य यौतकीकरण का उदाहरण है। यौतकीकरण मनोवैज्ञानिक रूप से रक्षा प्रणाली होती है। सभी में ये रक्षा प्रणाली पाई जाती है जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है ताकि परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन एक थंडाइक, ऑप्शन दो पावलोव, ऑप्शन तीन टॉलमैन, ऑप्शन चार स्किनर। तो सही उत्तर है यहाँ पर जो स्किनर ने इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसमें अधिगम का जो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिक जाने माने मनोवैज्ञानिक रहे हैं ये वी एफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक क्रिया के बार बार करने से व्यक्ति में परिपक्वता आ जाती है यानी व्यक्ति उस सीखे गए कार्य को कभी भूलता नहीं है। इस बी एफ स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रयोग चूहे और बिल्ली पर किया था। चूहे पर किए गए प्रयोग सबसे सफल रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन एक वंडूरा, ऑप्शन दो टालमैन, ऑप्शन तीन थांडाइक, ऑप्शन चार कोहलर। सही उत्तर है वंडूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का सिद्धांत दिया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय संकल्पना अल्बर्ट वंडूरा के द्वारा दिया गया था। इस संकल्पना के तहत बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है तथा बालक को उचित एवं सकारात्मक निर्देश दिया जाता है ताकि बालक का मानसिक व शैक्षणिक विकास हो सके। अगला प्रश्न लेते हैं, निरीक्षण उदाहरण जो है, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान होते हैं? समझ लें प्रश्न को, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण और नियमीकरण किसके या किस विधि के सोपान हैं या प्रमुख चरण हैं? ऑप्शन एक आगमन विधि, ऑप्शन दो निगमन विधि, ऑप्शन तीन अंतरदर्शन विधि, ऑप्शन चार बहिर्दर्शन विधि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक आगमन विधि के जो प्रमुख सोपान है वो हैं उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण। उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण का जो सोपान आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है? ऑप्शन एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन दो विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन तीन क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन चार बाल केंद्रित शिक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा बनाना। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार में नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। शिक्षा या शिक्षण पाठ्यक्रम और शिक्षण कौशल छात्रों के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक सीख सके अधिगम कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन एक वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन दो निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन तीन समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन चार व्यक्तिता का सिद्धांत।
सही उत्तर है वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं होता। इसमें वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो पांच सिद्धांत होते हैं जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतरित होती है। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा समन्वय का सिद्धांत जिसे एकीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, तीसरा है व्यक्तिकता का सिद्धांत, चौथा सिद्धांत है वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, चौथा है विकास क्रम का सिद्धांत। वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत नहीं होता है। दोस्तों ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को समझें। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था, यानी अधिगम में जो है किसने प्रभाव का नियम दिया था, प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन एक स्किनर, ऑप्शन दो पावलोव, ऑप्शन तीन वाटसन, ऑप्शन चार थार्नडाइक। सही उत्तर है थार्नडाइक ने अधिगम या सीखने के सिद्धांत में प्रभाव का नियम दिया था। थार्नडाइक ने अधिगम सीखने के मुख्यतः तीन नियम दिए थे। थार्नडाइक ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया था अधिगम के? तीन नियमों का प्रतिपादन किया था। ये भी एक यहाँ से प्रश्न बन जाता है। और प्रमुख नियम उनके कौन कौन से? तीनों नियम, एक था तत्परता का नियम, दूसरा था प्रभाव का नियम, तीसरा था अभ्यास का नियम। प्रभाव का जो नियम था उसके अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, हम उस काम को जल्दी सीख लेते हैं। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को आसानी से सीख लेता है और असंतोष उत्पन्न होने पर उस कार्य को नहीं करना चाहता। इससे आगे प्रभाव का नियम को प्रभाव का जो नियम होता है उसको अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में लागू करने के लिए मुख्यतः दो कार्य करने अत्यंत आवश्यक हैं, जरूरी हैं। कौन कौन से कार्य हैं वो? पहला है शिक्षक को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का उत्साहवर्धन करना चाहिए, उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए जिससे वो शिक्षण कार्य में कक्षा में रुचि ले सकें सीखने के दौरान। दूसरा है शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करे ताकि छात्रों को अधिगम के प्रति अभिरुचि बढ़े या उनकी जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ सके और रुचि उनमें उत्पन्न हो सके। दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं सभी प्रश्न आपको लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे आगामी परीक्षाओं में। अगर वीडियो लगता है कि अच्छी है, ज्ञानवर्धक है, परीक्षा उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर, और साथ में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, साथ ही उसको ऑल नोटिफिकेशन वाले घंटी पर सेट कर दें जिससे समस्त वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सबसे पहले आप परीक्षा उपयोगी कंटेंट का लाभ उठाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।